इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द करंट सिनेरियो। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करंट सिनेरियो में क्योंकि इनने जो बुक लिखी द कैनन ऑफ मेडिसिन, उसमें पैंडेमिक के बारे में जानकारी मिलती है हमें। ये बताते हैं इसमें जो जानकारी मिलती है हमें कि जब कोई ऐसा पैंडेमिक फैला हो तो जो चेहरा है उसको अगर आप ढक के रखते हैं तो बीमार और ऐसा तो आपको बीमार होने की संभावना कम रहती है। ये वैसे पॉलीमैथ पेरीपैटेटिक फिलोसफर, पेरीपैटेटिक फिलोसफर वो होते थे जो एरिस्टोटोलियन जो अरस्तु के जो सिद्धांत थे उसका उसको मानते थे। एक बेसिकली ये एक स्कूल ही अलग था, ये पेरीपैटेटिक स्कूल ही था ग्रीस में। स्कूल का मतलब एक होता है कि एक अलग थॉट प्रोसेस के लोग, एक तरह से सोचने वाले लोग एक स्कूल के कहे जाते हैं, लाइक मार्क्सिस्ट स्कूल, द कैम्ब्रिज स्कूल, ये सारे हिस्टोग्राफी के स्कूल हैं। एक्सपर्ट इन मेडिसिन, अल्केमी, जियोग्राफी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लॉजिक, जियोलॉजी एक्सेट्रा, ये इतने सारे सब्जेक्ट्स में इब्न सीना का काफ़ी वो था, एक रैशनल पर्सनैलिटी थे। इनका नाम कई बार अभी सेना भी कहा जाता है। ये 1982-1037 का टाइम पीरियड है जो कि ये आज के उज्बेकिस्तान में हुए। ये एक साइंटिस्ट माने जाते हैं जो कि द मुस्लिम्स गोल्डन पीरियड जो था उसके ये सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट माने जाते हैं। और अर्ली मॉडर्न साइंस जो मेडिकल साइंस है उसके फादर भी इनको कहा जाता है कि इनके टाइम से जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वो जब डेवलप हो रहा था तो इनके हाथ इन्होंने उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। और उस टाइम वेस्ट में, वेस्ट में लाइक इंडिया, ग्रीस, रोम, जितने भी यहाँ पे मेडिसिन से जुड़े हुए काम हो रहे थे ना, उसके पहले के जैसे चरक का, सुश्रुत का, उनको उन सबको इन्होंने कंपाइल किया, स्टडी की और फिर काफ़ी वहाँ पे ना इन्होंने इम्प्रूव किया मेडिकल साइंस को। और यूनानी जो आज भी हम देखते हैं कि एक पद्धति है उसमें इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। इनकी जो किताबें हैं द बुक ऑफ हीलिंग, द बुक ऑफ डिलीवरेंस, द कैनन ऑफ मेडिसिन, द कैनन ऑफ मेडिसिन वो एक इंसाइक्लोपीडिया था 18th सेंचुरी तक पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का और मिडिल ईस्ट का। उसके बाद आज के अगर सिनारियों में देखें तो ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, फिलीपींस, पाकिस्तान, फ्रांस, इंडिया, ये सारी कंट्रीज ना इनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करती है, उसको याद रखती है कि इनका क्या रोल रहे हैं। इवन इंडिया में अलीगढ़ में एक इब्न सीना अकेडमी ऑफ मेडिवल मेडिसिन एंड साइंसेज करके इंस्टीट्यूट भी है जो कि अलीगढ़ में सिचुएटेड है। ये आयुष मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। अब यहाँ पे आयुष मिनिस्ट्री को आपको समझना है क्योंकि एक यहाँ पे ये टर्म यूज़ हो रहा है तो कई बार पेपर वन में भी आ सकता है कि आयुष मिनिस्ट्री में कौन कौन से, बेसिकली आयुष इज एब्रीविएशन एंड एब्रीविएशन, सो आपको समझना है कि आयुष का फुल फॉर्म क्या है, इसको आपको जानना है और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, कब से ये एक्टिव है। तो आयुष जो है वो आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को मिला के एब्रीविएशन बना है। लेकिन आपको देखना है कि डिटेल में इसको आप समझें कि आयुष कैसे काम करता है सारा कुछ। इस जो इब्न सीना अकेडमी है अलीगढ़ में, उसके अलावा एक टिब्बी अकेडमी भोपाल में था जो 1963 में इस्टैब्लिश हुआ था। यहाँ पे भी मजलिस इब्न सीना होता था, ये हर महीने होता था और डॉक्टर्स जो थे वो अलग अलग बीमारियों पे डिस्कशन करते थे इसमें, इस मजलिस में। तो चूंकि अभी एक पैंडेमिक का ऐसा वो क्राइसिस है तो ये कहीं ना कहीं इब्न सीना जो अविसेना है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अविसेना प्राइज़ भी एक डिस्ट्रीब्यूट करती है, यूनेस्को नॉमिनेट करती है पर्सन को, उनको जो एथिक्स इन साइंस में जिनका कोई रोल होता है कि साइंस के एथिक्स से जुड़े हुए कोई विषय हो, कि कितना जैसे आप देखते हैं अलग अलग विषय हैं उसी तरह की इथिक्स जो जुड़ा हुआ है कि मॉरल वैल्यू की जो बात होती है कि साइंस में मॉरलिटी का क्या रोल है, तो वहाँ पे इस एक प्राइज़ अविसेना देती है जो कि बाई एनुअल है। देखिए एक टर्म है बाई एनुअल और एक है बाई एनुअल, तो आपको उसको समझना चाहिए डिफरेंस है इनमें कि बाई एनुअल जो है वो दो साल में एक बार है और बाई एनुअल जो है वो एक साल में दो बार है, तो इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर दिया है कि आप इसको समझेंगे। एक मूवी, एक पहले बुक आई थी 1988 में द फिजिशियन, नोआ गॉर्डन की, और उस पर 2013 में एक मूवी भी आई थी द फिजिशियन, तो उसमें इब्न सीना के बारे में बताया गया है, तो आप वो मूवी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मूवी है, यूट्यूब पे अवेलेबल भी है। हम चलते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी की ओर जो कि हैं कुमारिल भट्ट, और इनको कुमारिल भट्टाचार्य भी कहीं कहीं लिखा गया है। ये एक पूर्व मीमांसा के फिलोसफर हैं जो एग्जिस्टेंशियल रियलिज्म में जिनको यकीन था। ये पूर्व मीमांसा का बेसिक थ्योरी ही ये था कि एग्जिस्टेंशियल रियलिज्म जो यथार्थवादी उनके मानव के उसको मूल्यों को मानते थे, कि जो पूर्व मीमांसा है वो और एक उत्तर मीमांसा है, पूर्व मीमांसा जैमिनी का है आपको पता होगा, तो मीमांसा के जो दो पार्ट है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इनको इनमें जो डिफरेंस है उसको जानना हमें जरूरी है। पूर्व मीमांसा वो किताबें हैं जो कि जो ऋग्वेदिक या वैदिक किताबें हैं और उत्तर मीमांसा वो है जहाँ से कि मीमांसा का बेसिकली मीनिंग होता है इंक्वायरी। तो जब किताबों में जो लिखा है उसमें इंक्वायरी की बात आ गई, एपिस्टेमोलॉजी की बात आ गई, तो जाके उत्तर मीमांसा है जो उपनिषदिक जो आपके टाइम पीरियड आप कह सकते हैं जब लिखे गए वो किताबें टाइम था, या जो जो जैनिज्म है बुद्धिज्म है वो दैट इज पार्ट ऑफ उत्तर मीमांसा, और उसके पहले के जो लिखे गए जो ऋग्वेद हैं वो सारा कुछ पूर्व मीमांसा का पार्ट है। तो ये पूर्व मीमांसा के थे, और पूर्व मीमांसा में कहते हैं कि लॉजिक का की कमी थी, बात लॉजिक नहीं था उसमें, सिर्फ रियलिज्म यूटिलिटेरियन अप्रोच था उसमें, कि जैसे सूर्य की पूजा करना क्योंकि सूर्य से सीधा वो है, लाइक हवा की पूजा करना और सारा कुछ, तो उन चीज़ों की पूजा करते थे जो कि जिनसे उनका जीवन में कोई फर्क पड़ता था, जिनका कोई जीवन में उपयोग था, पानी की पूजा करना, पौधों पेड़ पौधों का, तो ये एक था। जो उत्तर मीमांसा है उसमें उसमें एक एक ब्रह्म की बात हो गई कि भाई मनुष्य के अंदर क्या है, एक गॉड जो है हमारे अंदर उसकी बात हो, तो काफ़ी इसमें फिलोसॉफिकल अप्रोच यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो थे ये पूर्व मीमांसा थे जो वैदिक था, जो एक्सटेंशियल रियलिज्म की बात करता था। कंटेम्प्रेरी टू किंग हर्षवर्धन यानी कि 7वीं शताब्दी में थे,
इनके नेटिव प्लेस को लेकर काफ़ी डिबेट है। कोई इनके जो राइटिंग्स है ना उसमें द्राविड वर्ड मिलता है पहली बार में संस्कृत में, और ये काफ़ी इसमें तमिलियन वर्ड का इस्तेमाल है। तो तारानाथ मानते हैं कि ये तमिल थे। कुछ जगह ये ना सिल्क के बारे में बात करते हैं, जिसकी वजह से इनको कामरूप यानी कि आसाम या मिथिला का माना जाता है। कुमारिल भट्ट को इनने एक किताब लिखी मीमांसा श्लोक वर्तिका, लॉजिकल फॉर्मुलेशन ऑफ वेदाज। तो इन्होंने जो ऋग्वेद था उसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश की और काफ़ी हद तक ये सफल भी रहे। ये बुद्धिज्म के घोर विरोधी थे। ये नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, वहाँ से इनको एक्सपेल कर दिया गया कि धर्मकीर्ति ने इनको बाहर निकलवा दिया कि नहीं ये यहाँ पे नहीं पढ़ सकते। और ये इनका पूरा जीवन गया सुपीरियरिटी ऑफ अर्ली वैदिक स्क्रिप्चर के सुपीरियरिटी को दिखाने में। काफ़ी इन्होंने प्रयास किया, मेहनत की। इनके दो बहुत फेमस स्टूडेंट भी हुए, एक थे मंडन मिश्रा मिथिला के और दूसरे थे प्रभाकर केरला के, फेमस स्टूडेंट। इसमें जो आप फिगर देख रहे हैं इसमें दिखाया ये गया है कि जब इन ये मृत्यु सैया पे हैं तो जो इनके पास शंकराचार्य आते हैं और कहते हैं कि मुझे आपसे डिबेट करना है, तो ये मना कर देते हैं। ये बोलते हैं कि तुम्हें डिबेट करना है तुम मेरे शिष्य मंडन मिश्रा से करो जो महिष्मति में रहता है। आप इसमें पता करने के लिए मैं ये है कि महिष्मति कौन सी जगह है आज की, कहाँ कौन सी जगह कौन महिष्मति जिसका पहले महिष्मति नाम रहा हो, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ भी बनता है। तो इन्हें काफ़ी सारी बातें हैं कि धर्मकीर्ति ने इनको एक्सपेल किया, इनके शिष्य थे मंडन मिश्रा और प्रभाकर, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह से